हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू विक्रमास। आई एम पूजा सिंह और करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि रोज शाम को 5:20 से ये क्लास होती है जहां हम दिन भर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके साथ में डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो चलिए देर करे बिना शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। और जब मैं करंट अफेयर्स आपको बोल रही हूँ तो यानी वो सारे एग्जामिनेशन जहाँ पर करंट अफेयर्स को पूछा जाता है, उन सारी एग्जामिनेशन के लिए क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अगर आप मेरी क्लास अटेंड करते हैं तो आपका आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। साथ ही यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी किस तरह से हैंडल करना है, क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनेशन में 60 से 70% क्वेश्चन जो स्टैटिक आती है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से इन्फ्लुएंस जरूर होती है। ठीक है, चलिए तो मैं जरा पेन को चूज कर लेती हूँ। मेरा किधर गया पेन का बटन, बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी बोर्ड पे पेन का बटन ही नहीं मिलता। चलिए शुरू करते हैं। तो दिक्कत हुई है? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है। पता नहीं क्लास को क्या हुआ है, मैं इसको इससे चेंज करके देख लेती हूँ। ठीक है, कुछ दिक्कत हुई है, एक सेकेंड आप होल्ड करिएगा। हाँ, एक मिनट बस आप लोग रुकिएगा, मैं स्लाइड्स को देख लेती हूँ कि क्या दिक्कत हुई है इसमें, सेटिंग में क्या प्रॉब्लम हुई है। हाँ, उसको मैं दोबारा से लगा लेती हूँ। ठीक है, सेट कर लेते हैं। पता नहीं क्या हुई है, चलिए आप 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं इसको चेक करा लेती हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। महंगी स्क्रीन हैंग हो गई है क्लास में। कोई नहीं, हम नरे सर आ रहे हैं अभी, वो चेक कर लेते हैं कि स्क्रीन को क्या हुआ है। आई डोंट नो, ये ना तो इस सिस्टम काम कर रहा है ना मुझे इस पर कोई भी पेन का बटन दिख रहा है, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। 5 मिनट ले लेते हैं इसको चेक, कैसी हो जाती है, मैं शुरू कर देती हूँ क्लास को। सर आज लाइव क्लास में आपको भी आना पड़ेगा, ये स्क्रीन पॉज हो गई है, स्क्रीन उसको कोई बटन आ रहे हैं। इससे भी नहीं चल रहा है, इधर भी पेन का बटन वो भी नहीं आ रहा है इस पर। इसको इधर से भी करने की कोशिश करी है। हाँ, तो इसको मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं रीस्टार्ट कर लेती हूँ अभी, तो आप लोगों को प्लीज 2 मिनट वेट करना पड़ेगा सिस्टम को रीस्टार्ट करके, फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। जाता है अभी टेक्निकल है, पर जब हम जितनी देर में इसको दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप इतनी देर मेरे से वो सब पूछ सकते हैं। और भी 2 मिनट ही इसको लगेगा, ये रीस्टार्ट हो जाता है, मैं स्लाइड्स ऑन करके फिर आपके साथ दोबारा से इसको शुरू कर लूंगी। ठीक है, तो आज क्योंकि मेरी क्लास बिल्कुल टाइम से शुरू हुई थी तो आज ये प्रॉब्लम आ गई है ना। चलो कोई नहीं, ये सब तो चलता रहता है। जब हम टेक्नोलॉजी में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम में कभी ना कभी डाल ही देती है। दिस इज द लेटेस्ट एग्जाम्पल, पहले पेन पेपर होता था, बोर्ड होता था, रब किया, लिखा, पढ़ाया, काम हो गया है ना।
है, हर चीज के प्रोस्कॉन्स है, उसका भी प्रोस्कॉन है टेक्नोलॉजी का। ठीक है चलिए कोई नहीं, इसको देख लेते हैं। सी 2 मिनट का ही काम है, री स्टार्ट ही हो जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है चलिए। आई थिंक 1 मिनट मोर देन विल बी गुड टू गो, विल स्टार्ट विद द क्लासेस। ठीक है करंट अफेयर्स हम कर लेंगे स्टार्ट अपना, पर तब तक मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बहुत जरूरी है। और टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो भी अगर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर लीजिए। ठीक है चलिए। हाँ मेरे स्लाइड्स पर, क्योंकि बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली आपको जो दिखता है स्क्रीन पे स्लाइड्स होता ही नहीं, टीचर्स भी बहुत काम हो रहा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो इस सारे काम में लगे हुए होते हैं। ठीक है तो चलिए पावर पॉइंट खुल गया है अपना, तो हम शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। ठीक है चलिए। ठीक है तो चलिए आज के करंट अफेयर्स को हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हुआ, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी है, कभी कभी धोखा दे ही देती है। तो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है महिला, पेन में ले लेती हूँ, महिला समानता दिवस। ठीक है वुमेन इक्वालिटी डे, आज के दिन यानी 26 अगस्त को महिला समानता दिवस या वुमेन इक्वालिटी डे की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं। और ये कौन सा दिन, 26 अगस्त, और किस लिए, इसके पीछे रीजन क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए 19वें संशोधन को अपनाने का जश्न मनाने। देखिए क्या हुआ था, पहले यूएसए में भी महिलाओं को, फीमेल्स को वोटिंग के राइट्स नहीं थे। यस यूएस में भी, हम इंडिया को बोलते हैं लेकिन यूएस में भी यही हालात थे। वहां पर क्या हुआ, वहां पर 19th अमेंडमेंट उसमें किया, जिसकी वजह से वुमेन्स को, महिलाओं को मतदान के अधिकार मिले थे। ठीक है कल ये कब हुआ था, 1973 में ऐसा हुआ था कि कांग्रेस ने, जो यूएस की कांग्रेस है, उसने महिलाओं को मतदान के अधिकार दिए थे। इस वर्ष महिला समानता दिवस की थीम क्या है, इसकी थीम है असमानता का आलिंगन करें, यानी कि लेट्स एम्ब्रेस इक्वेलिटी। अगर इंग्लिश में बात करूं तो इसकी जो थीम है दैट इज एम्ब्रेस इक्वेलिटी, यानी आलिंगन करें हम समानता का। तो क्या है, आज के दिन 26 तारीख को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। ठीक है चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत इंडियंस के लिए, बहुत से भारतीयों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि ये मात्र 18 साल की उम्र का दिखने वाला बच्चा, ठीक है, प्रागनंदा, इन्होंने क्या किया है, ये विश्व चैंपियनशिप में दूसरे नंबर पर रहे हैं मात्र इतनी छोटी सी उम्र में। और अगर मैं भारतीय की बात करूं तो विश्वनाथन आनंद के बाद ये दूसरे भारतीय हैं जो चेस के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ठीक है भले ये पहुंच गए थे लेकिन ये फाइनल्स में नहीं, मतलब ये फर्स्ट नहीं आ पाए, इनको सिल्वर मेडल मिला है। कौन आया है फर्स्ट, तो याद रखिए मैग्नस कार्लसन, ये क्या है, दुनिया के नंबर वन चेस प्लेयर है। तो इन दोनों का फोटो ये आप याद रख लीजिएगा, मैग्नस कार्लसन और आर प्रागनंदा। ठीक है चलिए, तो आर प्रागनंदा क्या है, ये सबसे छोटी उम्र में इस फाइनल में पहुंचने वाले विश्व कप फाइनलिस्ट है। ठीक है और सबसे कम उम्र के विश्व कप विजेता भी है, भाई विजेता तो आप इन्हें भी कहेंगे, सेकेंड पोजिशन इनको भी मिली है। ठीक है चलिए, ये इन्होंने किस किस को हराया, विश्व के जो नंबर टू है हिकारू नामाकुरा और नंबर थ्री जो है फैबियानो कारु, इन तीनों को हराया है। और फाइनली इनको क्या मिला है, इनको सिल्वर मेडल मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जरूर से ध्यान रखिएगा। और इसके बाद एक और न्यूज कि इनसे पहले से विश्वनाथन आनंद थे जो शतरंज के विश्व कप फाइनल में प्रवेश किया था, तो विश्वनाथ आनंद के बाद ये दूसरे भारतीय बने हैं जो चेस के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे हैं। ठीक है तो चलिए इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब राफेल नडाल, आप सब जानते हैं राफेल नडाल को, इंफोसिस ने इनके साथ एक हस्ताक्षर ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं, क्या किया है, इन्हें ब्रांड इंफोसिस और उसके डिजिटल इनोवेशन के लिए
राजदूत यानी एम्बेसडर बनाया है। किसने बनाया है राफेल नडाल को? तो याद रखिएगा इन्फोसिस ने। इन्फोसिस के ब्रांड इन्फोसिस और डिजिटल इनोवेशन उनके जितने भी रहेंगे उस सब के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है राफेल नडाल को। तो ये आपको ध्यान कर लेना है, ठीक है। नडाल भारतीय आईटी कंपनी के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर यानी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करेंगे, ठीक है। और इन्फोसिस के अगर हम सीईओ की बात करें तो साहिल पारेख है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सलिल पारेख इन्फोसिस के क्या है? सीईओ है, ठीक है। चलिए, और एमडी भी है। तो सीईओ और एमडी इन्फोसिस के कौन है? सलिल पारेख, ठीक है। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। अब देखिए ये जो कुछ इमेजेस आपको दिख रही हैं, ये वो गिफ्ट्स हैं जो पीएम मोदी ने जब ब्रिक्स में गए थे अभी अफ्रीका, तो वहां के जो लीडर्स थे उनको गिफ्ट करने के लिए इंडिया से लेकर के गए थे। तो ये क्या है? इसमें नागालैंड के शॉल्स है, ठीक है, गोल्ड पेंटिंग्स है, इस तरीके के गिफ्ट्स है जो वो अपने साथ लेकर के गए थे। आइए उनकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो है सिरिल रामाफोसा, उन्हें तेलंगाना की सुराही की एक जोड़ी, तो यानी ये जो दिख रही है ये कहाँ की है सुराही? ये तेलंगाना की है, ठीक है। तो मोदी जी क्या करते हैं कि ब्रांड इंडिया की भी वहां पर जब ये कहीं जाते हैं तो गिफ्ट्स लेकर जाते हैं इंडिया के ट्राइबल एरियाज के, इंडिया के ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट जो चाहते हैं कि दुनिया में सब लोग उसको देखें, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो उन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं उन्हें तेलंगाना की सुराही की एक जोड़ी और उनकी पत्नी और जो यहाँ की फर्स्ट लेडी है श्वेशा, इनका नाम तो खैर आपको क्या करना है, उन्हें नागालैंड की शॉल भेंट की है, ठीक है। तो देखिए किसको क्या दिया है ये शायद आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन शॉल दी थी वो किस स्टेट की थी तो आपको ये पता होना चाहिए कि नागालैंड की थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को एमपी की एक गोल्ड पेंटिंग उपहार में दी जो सबसे प्रशंसित आदिवासी कला के रूप में जानी जाती है। गोंड शब्द, अब जो गोंड जाति है, गोंड ट्राइब्स है, वो क्या है? द्रविड वर्ड से, द्रविड शब्द है कोंड, उससे आया है जिसका मतलब है हरा पर्वत, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि पीएम मोदी 40 साल बाद ग्रीस भी जाते हैं और वहां पर उन्हें ग्रीस का जो सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है वो भी दिया गया है, आगे की न्यूज में हम वो भी देखेंगे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 40 साल में पहले प्रधानमंत्री है भारत के जो ग्रीस की यात्रा पे पहुंचे थे, ठीक है। चलिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, ठीक है, क्या है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, इसमें भी इंदौर नंबर वन है। आपको पता होगा कि स्वच्छ भारत अभियान का जब सर्वेक्षण होता है उसमें इंदौर पिछले 6 साल से सबसे स्वच्छ सिटी के स्वच्छ शहर के नाम से जाना जाता है। अब क्या हुआ है, स्वच्छ हवा का भी जब सर्वेक्षण किया गया तो उसमें भी इंदौर नंबर वन पे रहा है, ठीक है। और ये किसमें? 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले में इंदौर पहला है, भोपाल पांचवा है, जबलपुर तेरहवा है, ग्वालियर 41वां हासिल किया है। अगर बात करें तो इंदौर पहले नंबर पे, आगरा उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे, ठाणे महाराष्ट्र में तीसरे नंबर पे, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर चौथे नंबर पे, भोपाल हमने पढ़ा ही था एमपी 5वें स्थान पर है। तो 5 तक अगर आपको नहीं भी याद रहते तो आपको पता होना चाहिए पहले नंबर पर इंदौर है, दूसरे पे आगरा है, तीसरे पे ठाणे है, चौथे पर श्रीनगर है। तो इतने आप याद कर लीजिए, कभी पूछा दिए 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले हैं, ठीक है। तो एक पोर्टल है प्राण, उस पर स्वयं मूल्यांकन भी किया जाता है ये प्रदूषण, ताकि जो आपको पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली एक स्कीम है जहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के प्रदूषण को मापा जाता है प्राण के मदद से, ठीक है। चलिए, तो ये देख लीजिए कैटेगरी फर्स्ट में इंदौर आगरा ठाणे, कैटेगरी टू जिसमें 3 लाख से लेकर के 5 लाख तक की पॉपुलेशन है उसमें अमरावती मुरादाबाद और गुंटूर, क्या क्या? अमरावती मुरादाबाद गुंटूर। और तीसरी कैटेगरी जिसमें 3 लाख से कम की जनसंख्या है वहां परवाणु, काला अंब और अंगुल। परवाणु की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो ये तीनों कैटेगरी के टॉप 3 आपको याद रखने जरूरी है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब पेड़ों और प्रकृति पर 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया, किसने किया है?
गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई ने इसको 3 किताबों का इनॉग्रेशन किया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब इसमें अब किताबों के नाम की मैं बात करूं, हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा, वेन पैरेलल, माइंस मीट और माय डियर पोयम्स, इस नाम की कविताओं का संग्रह शामिल है। अब मुख्यमंत्री जो है प्रमोद सावंत गोवा के, उन्होंने ये कार्यक्रम कहाँ हुआ था, ये कार्यक्रम गोवा के पणजी जो गोवा की कैपिटल है वहां पर ये कार्यक्रम हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ज्ञानपीठ विजेता जो है दामोदर मौजे, इन्होंने भी 2 पुस्तकें जारी की, वेन पैरेलल लाइंस मीट एंड एंटी प्रिया कविताल्य, ठीक है। तो ये आपको क्या करनी है, ये किताबों के नाम याद रख लेने हैं, ये कभी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम अगली न्यूज पे चलते हैं। LCA तेजस, ठीक है, तेजस क्या है, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। मैं इसका फोटो भी आपको दिखाती हूँ, देखिए ये है तेजस, भारत में निर्मित है। इसका क्या किया गया है, इसका परीक्षण किया गया है। ये तेजस क्या है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, भारत में पूरी तरह से निर्मित है। किसने बनाया है इसे, DRDO ने बनाया है ना, DRDO यानी रक्षा अनुसंधान संस्थान जो है भारत की, DRDO डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने इसका निर्माण किया है। और इसे गोवा के तट से हवा मार करने वाली एक्स्ट्रा स्वदेशी मिसाइल को सफलतापूर्वक गोवा के तट से इसका परीक्षण किया गया है। ये आपकी यहाँ की न्यूज है, ठीक है। सुपरसोनिक मिसाइल है ये, हवा से हवा में मार करती है। मेजर चीज ये है कि इसको DRDO ने निर्मित किया है, भारत में ही इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। चलिए ये आपने देख ही लिया, एस्ट्रा मैक 2। अब एक शहर बन रहा है हनुमान लोक, कहां पर अनाउंस हुआ है, तो याद रखिएगा कि हनुमान लोक जो है ये MP में बनाया जा रहा है। MP के जो मुख्यमंत्री है शिवराज चौहान, उन्होंने MP के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे हनुमान लोक परियोजना की घोषणा की है। ये क्या है, ये जगह वो है जहां पे पूर्व CM कमलनाथ जो थे उनका ये गढ़ है, और यहाँ पे श्री हनुमान जी की 101 फुट ऊंची मूर्ति भी है। तो अगर कोई पूछ लेता है श्री हनुमान लोक का कहाँ पे निर्माण किया जा रहा है, तो याद रखिएगा MP के छिंदवाड़ा में, ठीक है। चलिए मऊगंज जो है वो MP का 53वां जिला बन गया है, कौन सा, मऊगंज, समझ में आ गया ना आपको ये, ठीक है। उज्जैन से काट के इसको अलग किया जा रहा है, मऊगंज MP का नया जिला बन गया है। अब MP में टोटल जिले कितने हो गए, 53 जिले हो गए। चलिए MP से आ रही है, आप तो ऐसा लग रहा है कि इंदौर और यहां से ही सारी न्यूज हमारी तरफ आ रही है। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हो रहा है, ये भी इंदौर में शुरू हुआ है। तो आप ये ऐसे याद कर सकते हैं कि जो इंदौर है हवा भी स्वच्छ है, शहर भी स्वच्छ है, तो ई गवर्नेंस वाले लोगों ने कहा कि हम इतने स्वच्छ शहर की स्वच्छ हवा में बैठ करके इस सम्मेलन को करते हैं। वैसे याद रख सकते हैं ई गवर्नेंस पे 26वां सम्मेलन कहाँ हो रहा है, इंदौर में हो रहा है। और इसकी थीम क्या है, विकसित भारत, नागरिकों को सशक्त बनाना। देखिए कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में कोई इंपॉर्टेंट डे है उसकी थीम पूछ ली जाती है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई सम्मेलन हुआ है तो उसकी थीम क्या रही थी वो पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेनी है। चलिए अब ये न्यूज तो ये है कि IY ने NW यानी नेशनल वाटरवे, भारत का जो जल मार्ग है, जल मार्ग 2, उसमें क्या किया है, NRL के साथ समझौता किया है। मैं आपको समझा देती हूँ पहले, क्योंकि इन टर्म्स को सुन के आपको लगेगा कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी में है, ठीक है, याद रखिएगा कि नदियों में भी जलमार्ग बनाए गए हैं। जैसे जलमार्ग 1 है वो गंगा नदी के सिस्टम से रिलेटेड है, जलमार्ग 2 जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है, भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग, ठीक है, IBPMR यानी इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रोड, ठीक है, इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रोड या फिर भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग, ठीक है, इन दोनों का उपयोग करने के लिए भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडिया वाटरवे, ठीक है, इंडिया वाटरवे भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग वाटरवे
अथॉरिटी, ठीक है, इंडिया इंडियन वाटरवे अथॉरिटी जो है भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इनका समझौता किसके साथ हुआ है, जो NW2 यानी नेशनल वाटरवे, भारतीय राजमार्ग संख्या 2 जो ब्रह्मपुत्र नदी में है, और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग, ये क्या करेंगे, ये इन दोनों का प्रयोग करेंगे, किस लिए करेंगे, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको चार चीजें इंपॉर्टेंट बताई हैं। पहली चीज वाटरवे 1, अंतरदेशीय जो हमारा राजमार्ग है 2, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। दूसरी चीज जो हमने इसमें पढ़ी वो ये पढ़ी कि भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग है। तीसरी चीज हमने पढ़ी कि भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण है। चौथी चीज हमने पढ़ी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में जो रिफाइन हो रहा है तेल, उसको क्या करेंगे, ये गुवाहाटी में बांग्लादेश और अन्य दक्षिण पूर्व देशों को पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करेंगे। यानी गुवाहाटी से लेकर, ये जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है ये गुवाहाटी में है, गुवाहाटी से जितना भी आपके स्टेट है, बांग्लादेश हो गए और दूसरे दक्षिण पूर्व जो देश है, वहां पर हम क्या करेंगे कि हम तेल का सप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे, पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करेंगे। और वो कैसे करेंगे, वो हम NW2 यानी जो अंतरदेशीय राजमार्ग 2 है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, उसके माध्यम से हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का निर्यात करेंगे। तो ये चार चीजें याद रखिएगा। सबसे पहला अंतरदेशीय राजमार्ग 2 NW2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है। दूसरा आप याद रखिएगा कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी गुवाहाटी में है। तीसरा क्या पढ़ याद रखेंगे आप, भारत तिब्बत प्रोटोकॉल मार्ग। ये तीन चार चीजें आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब ये देख लीजिए, नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी, नेशनल वाटरवे 73 नर्मदा नदी। तो 3 नहीं है ये, 73 है, किस पर है, नर्मदा नदी पर है, और 100 नंबर का जो है वो तापी नदी पर है, ठीक है। और NW1 की बात करती हूँ तो वो गंगा नदी पर है। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, NW1 जो वाराणसी से हल्दिया के बीच में है, ठीक है, जिस पर अभी गंगा विलास जो आपका क्रूज था, सबसे लंबा क्रूज चलाया गया था, वो कहाँ चलाया गया था, नेशनल वाटरवे 1। तो ये कहाँ पर है, वाराणसी से हल्दिया, ठीक है। चलिए तो NW1 गंगा नदी, NW2 ब्रह्मपुत्र, NW73 की बात करेंगे नर्मदा, और 100 की बात करेंगे तो तापी की। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, एग्जाम में कभी ना कभी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अच्छा, एक इसमें ये भी है, हाँ ये यहाँ पे है गया कि सबसे लंबा वाटरवे, ठीक है, बंगाल के हल्दिया तक, ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बंगाल के हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 या गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली। तो NW1 क्या है, गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली, गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली NW1 है, प्रयागराज से लेकर, मैंने आपको वाराणसी बोला था पर ये प्रयागराज से है, प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक ये जाएगा, NW1 है। NW2 मैंने आपको बता दिया कि वो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। यहाँ एक चीज और आपको याद रखनी है, राष्ट्रीय जलमार्ग 69, 73 हमने नर्मदा पढ़ा, 100 तापी पढ़ा, 69 जो है वो तमिलनाडु के मणिमुथारु नदी, ठीक है, ये भारत का सबसे छोटा जलमार्ग है। सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो NW1 जो गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर है, सबसे छोटा पूछा जाएगा तमिलनाडु के मणिमुथारु, मणिमुथारु जो नदी है उस पर जो राजमार्ग बना हुआ है 69, वो भारत का सबसे छोटा राजमार्ग, बोल रही हूँ जलमार्ग, वो भारत का सबसे छोटा जलमार्ग है। ये आपको कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए तो 69 सबसे छोटा है, ठीक है, और इसका नाम क्या है, मणिमुथारु, ठीक है, कहाँ है ये तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में है, और ये वाराणसी नहीं, ये प्रयागराज से है, ठीक है, जिसे पहले इलाहाबाद भी कहते थे। तो प्रयागराज से हल्दिया, ये सबसे बड़ा जलमार्ग, ठीक है, सबसे बड़ा जलमार्ग है। ये फैक्ट्स हैं, आपको ये फैक्ट्स याद रख लेने हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है, सरकार ने DRDO
जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी समीक्षा के लिए एक गठन किया है एक समिति का। देखिए समिति के क्या रिपोर्ट आएगी वो तो बात की बात है, क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि समिति का नाम। क्वेश्चन में सपोज पूछिए इनमें से कौन सी समिति का गठन डीआरडीओ की समीक्षा के लिए किया गया था, तो नाम होता है जो उसके सबसे हेड वहां पर इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है जनरली उनके नाम पर ही हम जानते हैं। तो इनकी विशेषज्ञों की 9 सदस्य समिति का गठन किया है और प्रोफेसर विजय राघवन तो अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, प्रोफेसर विजय राघवन। तो ये जानी जाएगी प्रोफेसर विजय राघवन समिति किससे संबंधित है, डीआरडीओ की समीक्षा से संबंधित है। ठीक है चलिए अभी देखिए न्यूज में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, हरी क्वेक है ना, दो शब्दों से मिलके बना है ये हरी क्वेक, इसमें आता है हरिकेन। मैंने आपको पढ़ाया था हरिकेन के बारे में, एक तरीके का तूफान है जो अमेरिका के क्षेत्रों में मिलता है, और दूसरा शब्द इसमें मिलके बना है जिससे ये वो है अर्थक्वेक। तो हरिकेन का हरी लिया और क्वेक लिया तो हरी क्वेक शब्द बना। क्या हुआ है आपको जैसे ही पता है कि हरिकेन हेली अभी आया था उसके साथ साथ भूकंप भी आया, तो उन दोनों को मिलके एक शब्द बना हरी क्वेक। तो आप इसमें देख सकते हैं नीचे दरारें पड़ रही हैं भूकंप की वजह से और ऊपर से तूफान आया हुआ, यानी दोहरी मार पड़ी है और इस वजह से इसका नाम दिया गया है। क्या ये मैम तूफान है, जी बिल्कुल ये तूफान है, मैं डिटेल पे इसके चल रही हूँ, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है हरिकेन क्या होता है, अगर आपने पुरानी क्लासेस में देखा होगा तो हरिकेन उस तूफान को कहते हैं जो अमेरिका के क्षेत्रों में आता है। जैसे अगर मैं विली विली की बात करूं तो वो चक्रवात जो आपके ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में आते हैं न्यूजीलैंड के क्षेत्रों में आते हैं उन्हें विली विली कहते हैं, अगर आपके चाइना के क्षेत्रों में आते हैं टाइफून कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम है चक्रवातों के। तो अगर मैं बात यहां पर कर रही हूँ हरिकेन की तो हरिकेन उन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहते हैं जो अमेरिका के क्षेत्रों में आता है। ठीक है तो ये दक्षिण कैलिफोर्निया में तूफान जो आया उसका नाम है हिलेरी। तूफान का नाम याद रखिएगा हरिकेन हिलेरी के नाम से इसको जानते हैं। कहाँ आया है, कैलिफोर्निया के क्षेत्रों में आया अमेरिका में। अब इसमें क्या हुआ, ये तूफान आया उसके साथ साथ ही यहाँ पर भूकंप की घटना भी हुई। ठीक है तूफान और भूकंप की एक असामान्य घटना एक साथ घटित हुई, ऐसा नहीं है तूफान की वजह से भूकंप आया, भूकंप भी आया था उसी वक्त पे, तूफान हिलेरी भी आया था। तो एक नया शब्द प्रचलन में आ गया हरी क्वेक। हरी क्वेक हरिकेन से हरी शब्द लिया, अर्थक्वेक से क्वेक लिया, मिला के अमेरिका में एक शब्द बन गया हरी क्वेक। ठीक है चलिए तो भूकंप कितना आया, 5.1 तीव्रता का भूकंप आया और उसके साथ साथ तूफान आया हुआ था हिलेरी। तो अगर पूछ लिया जाता है तो इसलिए बहुत चर्चा में था शब्द, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा था इसलिए मैंने इसको लिया है। तो इस फोटो से आप याद रखिएगा कि जब भूकंप भी आया तूफान भी आया हुआ है चक्रवात आया हुआ है तो उसको मिला के बोला शब्द हरी क्वेक। इस दुर्लभ घटना के कारण सोशल मीडिया पर शब्द तूफान शब्द ट्रेंड करने लगा। तूफान हिलेरी को जलवायु परिवर्तन से जोड़ते हैं, तो आप सभी को पता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि भूकंप जैसी घटनाएं तूफान जैसी घटनाएं बहुत ज्यादा घटित हो रही हैं। ठीक है तो ये उसी का एक नमूना है। चलिए बताइए कि भारत की कौन सी अफ्रीकी कंपनी है, अफ्रीका में उत्पादन शुरू करने वाली भारतीय की पहली ईवी कंपनी, यानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है, भारत की ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने शुरू करा है कहाँ पे अपना प्रोडक्शन, अपना जो उत्पादन है उसको शुरू किया है अफ्रीका में, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, वन इलेक्ट्रिक, अशोक लेलैंड या ओला इलेक्ट्रिक। तो इसका आंसर है वन इलेक्ट्रिक। ठीक है इसका आंसर आप याद रखिएगा कि वन इलेक्ट्रिक पहली भारतीय कंपनी है जिसने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं उनका जो उत्पादन है उसे अफ्रीका में शुरू किया है। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कंपनी का नाम है वन इलेक्ट्रिक। ठीक है चलिए किस कौन सी कंट्री कौन सा देश वर्ल्ड वाटर वीक यानी विश्व जल सप्ताह 2023 कार्यक्रम का मेजबान देश कौन सा है, स्वीडन, यूएसए, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब है स्वीडन। ठीक है तो ये वन लाइनर फैक्ट्स है करंट अफेयर से रिलेटेड, एडवर्टाइज एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, रिविजन करते जाइए साथ साथ, कहीं नोट कर लीजिए तो आसानी हो जाएगी। तो विश्व जल सप्ताह 2023 का मेजबान देश कौन बना है, स्वीडन बना है। अफ्रीका में इलेक्ट्रिक वाहनों की उत्पादन शुरू करने वाला देश कौन सा है, तो आप कौन सी भारतीय कंपनी है, तो
तो वन इलेक्ट्रिक, दो मैंने फैक्ट्स आपको अभी तक बता दिए हैं, ठीक है। चलिए, चंद्रयान तीन जो अभी लॉन्च हुआ था उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन बने हैं, तो याद रखिएगा उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, तो याद रखिएगा पी वीरा मुथुवल उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। आज देखिए क्या है, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए इसरो के मुख्यालय, वहां से उन्होंने तीन प्रमुख घोषणाएं की हैं। क्योंकि अभी की लेटेस्ट न्यूज है तो मैं इसे स्लाइड में तो नहीं डाल पाई, लेकिन मैं आपको, जी बिल्कुल सही बोला आपने डी, तो उन्होंने तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं वहां से की हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुन लीजिए। याद रखिए, इन्होंने कहा कि जो 2019 में हमने चंद्रयान दो को भेजा था, है ना, कब भेजा था, 2019 में, भले ही वो प्रोजेक्ट हमें वो फल नहीं दे पाया था जिससे जो उससे अपेक्षित था, वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिले, लेकिन उसने जिस जगह पर, चंद्रमा के जिस स्पॉट पर चंद्रयान दो पहली बार उतरा था, उसका नाम उन्होंने घोषणा की है, वो नाम कहलाया जाएगा तिरंगा पॉइंट। क्या कहलाया जाएगा, चंद्रयान दो ने जहां सबसे पहली बार चंद्रमा पर, अपनी चंद्रमा की सतह पर वो उतरा था, उसका नाम होगा तिरंगा पॉइंट, ठीक है। ये घोषणा की है, चंद्रयान थ्री जहां उतरा है, ठीक है, चंद्रयान थ्री का लैंडर जो हमारा विक्रम है वो जिस जगह पर उतरा है उस जगह का नामकरण उन्होंने किया है कि वो जगह शिव शक्ति के नाम से जानी जाएगी, ठीक है, तो शिव शक्ति के नाम से जानी जाएगी वो जगह जहां चंद्रयान थ्री का लैंडर विक्रम उतरा है, ठीक है। और 23 अगस्त को हर साल हम भारतीय स्पेस दिवस यानी इंडियन स्पेस डे के रूप में मनाएंगे, यानी हम नेशनल स्पेस डे, मैं एक्सक्यूज को रब कर देती हूँ, नेशनल स्पेस डे, ठीक है, यानी राष्ट्रीय स्पेस दिवस। तो ये तीन घोषणाएं हैं, प्रमुख घोषणाएं जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसरो से की है कि वो जगह जहां पे चंद्रयान दो का लैंडर उतरा था पहली बार चंद्रमा की सतह पे, उस जगह को तिरंगे के नाम से जाना जाएगा, और उसकी महत्वता होगी, वो दिखाएगा कि हमेशा असफलताएं जो होती हैं वो सफलता की कहानी जरूर लिखती हैं, ठीक है, इसलिए तिरंगा नाम दिया। दूसरा, जहां पे चंद्रयान थ्री का लैंडर विक्रम उतरा है उस जगह का नाम दिया शिव शक्ति। और तीसरी चीज, 23 अगस्त वो दिन जिस दिन भारत ने पहली बार चंद्रमा की धरती पर तिरंगा लहराया था, भारत का डंका पूरे विश्व में बजा था, तो उस दिन को हम मनाएंगे नेशनल स्पेस डे की तरह से। आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, मंडे को जब मैं क्लास दूंगी तो इसको स्लाइड में भी डाल के आपको दिखा दूंगी, पर ये आज की लेटेस्ट न्यूज है, ठीक है। और जब मैं बात कर रही हूँ तो याद रखिएगा पी वीर मुथुवेल जो है ये इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर है चंद्रयान थ्री के, ठीक है। मोहाजेर 10 नाम का ड्रोन किसने लॉन्च किया है, किस देश ने लॉन्च किया है, ईरान ने लॉन्च किया है, और इसकी मारक क्षमता इतनी है कि इराक तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। ये देखिएगा, ये लॉन्चिंग का ही है मोहाजेर 10, किसने लॉन्च किया है, ईरान ने, याद रहेगा अब आपको, आपने फोटो देख लिया है इसका, ठीक है जी, बिल्कुल सही बोला आपने डी, ईरान, है ना। तो ईरानी रक्षा सहस्त्र बल रसद मंत्रालय ने रक्षा उद्योग दिवस, तो ईरान का रक्षा उद्योग दिवस होता है, वह मोहाजेर 10 ड्रोन को इजराइल मार करने में सक्षम है, ये 24 घंटे तक लगातार उड़ान भी भर सकता है और 300 किलोग्राम हथियार ले जा सकता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, बरतना जरूरी नहीं है, मोहाजेर 10 कहाँ का है, ईरान का है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए, वुमेन इक्वेलिटी डे, महिला समानता दिवस, सबसे पहली न्यूज ही मैंने बताई थी, कब मनाया जाता है, 26 अगस्त, यानी आज के दिन महिला समानता दिवस है। क्यों मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन अमेरिका ने अपने संविधान में संशोधन करते हुए अमेरिका की महिलाओं को समान वोटिंग या समान मतदान का अधिकार दिया था, ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, 26 अगस्त। ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ द ऑनर किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, नागरिक सम्मान प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है, ठीक है,
द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो याद रखिएगा ग्रीस, प्रधानमंत्री मोदी 40 साल बाद ग्रीस की यात्रा पे जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बचे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वोटिंग डे 1920 में दिया गया था अमेरिका में, उससे पहले वहां की महिलाओं को वोटिंग का, मतदान का अधिकार नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि असमानताएं की बातें इंडिया में, भारत में ही होती है, अमेरिका जैसे देश को भी 1920 लग गया था आते आते, जब उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार दिया था मतदान का। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा 1940 साल बाद भारत से कोई प्रधानमंत्री ग्रीस की यात्रा पे गए, और जब वो गए हैं मोदी जी, तो उन्हें ग्रीस के एथेंस में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया गया है। फोटो भी आप देख सकते हैं, ये वो फोटो है, ये ग्रीस की राष्ट्रपति है कैटरीना एस, जो उन्हें ये सम्मान दे रही है। पीएमओ इंडिया ने ये फोटो दी है। जी 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 बिल्कुल सही आपने बोला, ग्रीस की कैपिटल एथेंस में ये अवार्ड दिया गया है। वेरी गुड, लग रहा है आज आप बिल्कुल करंट अफेयर्स को ढंग से पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छी, किसको इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर पढ़ाया गया है, अभी हमने ये पढ़ा था, हमने डिस्कशन में देखा था, तो अगर बताना है तो मैं रुक जाती हूँ एक सेकेंड, आप इसका आंसर बता सकते हैं, मैं वेट कर लेती हूँ कि किसको दिया गया है। अभी अभी मैंने पढ़ाया भी है आपको न्यूज में, तो रिविजन भी हो जाएगा। जी ठीक है, आप बताइए। सी नहीं, सचिन तेंदुलकर को नहीं बनाया गया है, सचिन तेंदुलकर को चुना गया था एम्बेसडर। भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, मतदान आयोग, चुनाव आयोग है, उसने बनाया है एम्बेसडर। यहाँ पर इंफोसिस जो आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, उन्होंने राफेल नडाल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आज आप क्लास में थोड़ा सा लेट हो गए थे विकास, वहां मैंने शुरू में आपको ये पढ़ाया था। ठीक है, तो अगर सचिन तेंदुलकर की बात करूं तो इसको, इनको बनाया है किसने, भारत का जो चुनाव आयोग है, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ताकि ये लोगों को जागरूक कर सके। पंकज त्रिपाठी जी को पिछले साल बनाया गया था। राहुल द्रविड़ की बात करें तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, प्योर फॉर श्योर। शुभमन गिल अगर इनकी बात करूं तो ये अभी जो आपका T20 हुआ था उसके फाइनल में इन्हें ऑरेंज कैप मिला था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और दूसरों के बारे में, लेकिन इन्फोसिस ने किसको बनाया है, राफेल नडाल को बनाया है। ठीक है, चलिए 3 साल के लिए इन्होंने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, चलिए यूनेस्को ने, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन का एजुकेशन एंड साइंटिफिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों, यानी देखिए कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, नैतिकता तो उसमें नहीं होगी, उसमें उसे नहीं पता क्या गलत है क्या सही है, तो AI को नैतिकता से जोड़ने के लिए, यानी जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो कहीं ना कहीं उसमें भी नैतिकता का भाव आए, तो उसके लिए क्या है, नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए यूनेस्को ने हाल ही में किसी के साथ समझौता किया है। इनमें से कोई एक स्टेट है जिसके साथ यूनेस्को ने समझौता किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों को डालने के लिए। तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर बी यानी तेलंगाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा यूनेस्को ने किसके साथ समझौता किया है, तेलंगाना के साथ। जी आपने बिल्कुल सही आंसर बोला, इसका बी तेलंगाना इसका सही आंसर है। ठीक है, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने किसके साथ टाई अप किया है, इन्होंने किसके साथ समझौते पे, ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं, तो तेलंगाना सरकार के साथ। और ये क्या है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, उसमें नैतिकता के सिद्धांतों को लागू करने के लिए। ठीक है, नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड कैटेगरी में किसको अवार्ड दिया गया है, इंदौर, सूरत, आगरा, उदयपुर। तो ये अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको सभी को पता है कि इसका आंसर क्या है, इंदौर है। और अभी जो स्वच्छ हवा सर्वेक्षण हुआ है उसमें भी पहले नंबर पे 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में पहला नंबर किसका रहा है, इंदौर का, दूसरा किसका रहा है, आगरा का, तीसरा रहा है महाराष्ट्र ठाणे का। ठीक है, चलिए श्री हनुमान लोक, मैंने अभी आपको बताया था किस प्रदेश की सरकार ने इसके लिए करा है, सेकंड पे यूपी। जी बिल्कुल, एमपी, एमपी का इंदौर, सेकंड पे यूपी का आगरा है।
पता नहीं, मतलब आगरा की हवा इतनी स्वच्छ हो गई है तो बहुत खुशी की बात है। चलिए कोई नहीं, तो इसको देख लेते हैं। तो हमने देख लिया था मध्य प्रदेश सरकार ने श्री हनुमत लोक बसाने का निर्णय लिया है, इसकी घोषणा की है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। बिजली संयंत्र संयंत्र जो होते हैं उससे NOx, NOx यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये जितने भी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन के जितने भी ये कंपाउंड्स होते हैं, ये आपको पता है कि ये सारे ही बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। और ये कहाँ से निकलते हैं? जो बिजली के संयंत्र होते हैं यानी बिजली के जो पावर प्लांट्स होते हैं यानी जहाँ बिजली बनती है, वहां से नाइट्रोजन के इन ऑक्साइड्स का बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो इनके उत्सर्जन को सीमित करने के लिए भारत के पहले उत्प्रेरक सेट का निर्माण किसने किया है, ठीक है। उत्प्रेरक सेट यानी फर्स्ट कैटलेट सेट, जिससे कि बिजली संयंत्रों या फिर पावर हाउसेस जो है वहां से नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन के जितने ऑक्साइड्स होते हैं, डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड, उन सभी को उनके उनको उनको लिमिट किया जा सके, उनके उत्सर्जन को रोका जा सके, कम किया जा सके। तो ये सेट किसने बनाया है? BPCL, NTPC, BARC या ONGC? सही आंसर जानते हैं तो आप बताइए। आप क्या कह रहे हैं? BHEL। देख लेते हैं आपका आंसर। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया, BHEL इसका सही आंसर है, वेरी गुड। सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने स्वदेशी सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर, क्या है, स्वदेशी बनाया है, अपने ही देश में बनाया है, जिससे जो नाइट्रोजन के निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड जितने भी हैं उनके उत्सर्जन को कम किया जा सके। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। थर्ड, आइकन 2023 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित की गई है? गोवा, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटका? अगर आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो मैं रुकती हूँ 1 सेकेंड। जी क्या है इसका आंसर? गोवा, तमिलनाडु, केरला या कर्नाटका? तमिलनाडु। देख लेते हैं इसका आंसर। बिल्कुल सही आपने इसका जवाब दिया, तमिलनाडु इसका एकदम सही आंसर है। तो रचनात्मक अखंडता पर, ठीक है, किस पर? रचनात्मक अखंडता यानी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पर तीसरा आइकॉन 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 23 से 25 अगस्त के दौरान मल्लापुरा तमिलनाडु में आयोजित किया गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा जी, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट ABDM माइक्रोसाइट, मैंने कल ही पढ़ाया था आपको ABDM माइक्रोसाइट के बारे में, कहां पर ये बना रहे हैं? पहली मिजोरम में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में या तमिलनाडु में? ABDM माइक्रोसाइट कहां पर लॉन्च की गई है? कल ही मैंने ये आपको पढ़ाया था इसको न्यूज में, अगर जानते हैं तो बताइए। मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो बताइए, नहीं तो हम आगे चलते। शायद मिजोरम नहीं, पक्के से मिजोरम, ठीक है, मिजोरम में ही ABDM माइक्रोसाइट को लॉन्च किया गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसी तरीके से अपने पढ़ने को बनाए रखिए, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ये मैं नहीं है, ये फर्स्ट है, इसको जब हमने हिंदी में ट्रांसलेट कराया है तो ये मैं बना दिया फर्स्ट का, ठीक है। चंद्रयान 3 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है, क्या सही है या गलत है? चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए इसरो द्वारा उपयोग किए जाने वाला रॉकेट LVM3 है। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम प्रज्ञान है। इसमें आपको सही कथन को खोजना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, ठीक है, या केवल तीन, क्या है इसका सही आंसर? इसको आप हमें कमेंट करके बताइएगा कल की क्लास में, नहीं तो फिर इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इंग्लिश में, चंद्रयान 3 विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हैज बीन लॉन्च फ्रॉम हेयर, रॉकेट यूज्ड बाय इसरो इज LVM3। थर्ड स्टेटमेंट से चंद्रयान 3 मिशन लैंडर नेम इज प्रज्ञान एंड यू हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका जो भी आंसर आपको लगता है सही है उसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्लास के बाद कमेंट करिएगा, क्योंकि अगर लाइव क्लास में आप कमेंट करते हैं तो हमें वो कमेंट्स फिर बाद में दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो सही आंसर को कमेंट करिए, नहीं तो फिर कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इतना ही था आज के करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स की क्लास में। थैंक यू सो मच हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, हमारे साथ पढ़ने के लिए। ज्यादा से ज्यादा नंबर शेयर किया कीजिए क्लास को। मंडे से आपके क्लास का नया शेड्यूल आपको मिल जाएगा, ट्यूजडे से ये करंट अफेयर की क्लास जो अभी शाम को होती है
मैं सुबह 8 बजे से किया करूंगी, मॉर्निंग में 8 बजे मैं आपसे मिला करूंगी करंट अफेयर की क्लास में। हाँ कल ऑफ रहेगा विकास जी, क्योंकि कल संडे है, आप भी रिवाइज करिए जो पूरे हफ्ते का आपने पढ़ाई करी है। मंडे को हम दोबारा मिलेंगे, मंडे को जो मेरी क्लास होगी जीएस की उसमें मैं साइंस, और जैसे विकास जी ने भी मेरे को बोला था, तो हम सौर मंडल की बात करेंगे, सौर मंडल से संबंधित जितने वन लाइनर बनते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और मंगलवार से ये शाम वाली क्लास सुबह 8 बजे आपके लिए लाइव होगी, शाम को आपके लिए क्लास का टाइम और बढ़ा दिया गया है, 3 से 6 बजे का ही टाइम रहेगा आपका, लेकिन अब करंट अफेयर की क्लास को सुबह कर देंगे, आधा आधा घंटे की जो क्लास होती थी अब वो 45-45 मिनट की होगी। आप जुड़िए हमारे साथ, पढ़िए, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, आप कितना पढ़ सकते हैं आप देखिए उसको, जितना आप, आपके कुछ अगर सुझाव होते हैं लाइव क्लास में नहीं, क्लास के बाद कमेंट करके हमें जरूर बताइए, क्योंकि लाइव क्लास के कमेंट लाइव क्लास के साथ ही खत्म हो जाते हैं। कई बार आपका दिया हुआ सुझाव हम तक नहीं पहुंच पाता है, इस क्लास के खत्म हो जाने दीजिए, बाद में लाइव चैट नहीं, वीडियो के चैट में जाकर के आप कमेंट करिए, ताकि आपके जो भी सुझाव होते हैं वो हम तक पहुंच सके और हम अपनी चीजों को आपके अनुरूप बना सके। ठीक है, तो ये था आज की इंपॉर्टेंट क्लासेस में, कल की छुट्टी रहेगी, परसों मंडे को फिर से आपसे लाइव क्लासेस में मुलाकात होगी, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और जुड़ते रहिए, जुड़े रहिए विक्रमास के साथ। थैंक यू सो मच।